हाय गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम कुछ बनाते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। आज हम बनाते हैं ओट्स वेजिटेबल चीला। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। कटोरी हमने इस तरह से ओट्स लिए हैं जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट। अब ये ठंडे हो गए, इसे हम पाउडर बना लेते हैं मिक्सर में पीस। देखिए इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर बना लिया है इसका हमने ओट्स का। अब हमने क्या करना है, इसमें जितने ओट्स लिए उससे थोड़ा कम, छोटी कटोरी हमने सूजी लिया है, रवा, बारीक रवा। इन दोनों को अच्छा से मिक्स कर लेना है और इसमें हमने दही डाल देना है। ये हमारा घर का जमा हुआ ही दही है, करीबन 2 चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। हमारा ये बैटर बहुत बढ़िया हो गया है। इसके अंदर जो हमने सूजी रवा डाला था वो भी फूल गया है, सेट हो चुका है। अभी स्टेज पे हमने इसमें एक एक करके सब्जियां डाल देनी। हमने ये गाजर है, एक गाजर कद्दूकस करके रखा है, इसे पूरा डाल देंगे। एक छोटा कैप्सिकम है, बारीक काटा हुआ शिमला मिर्च, हरी मिर्चें है 2 बारीक कटी हुई, प्याज है 1 बारीक कटा हुआ, हरा धनिया है, इसे डाल देना है। इसी के साथ हमने नमक और काली मिर्च और जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ओरेगानो और चिली फ्लेक्स। अब इसकी एक अच्छा मिक्सिंग दे देनी और पेस्ट बना लेनी अच्छी। ये काफ़ी थिक है, अभी इसमें हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो आप इसमें इतना पानी डालिए कि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा कड़ा हो। हमारा बैटर परफेक्ट हो गया है अभी। अब हमने फ्राई पैन ऑलरेडी गर्म होने को रखा है, हल्का सा तेल फ्लश कर देते, चारों तरफ से तेल डाल देते, इसे थोड़ा सा घुमा लेंगे तवे पर और हम पहला चीला छोड़ देते हैं। गैस को थोड़ा सिम करना है, धीमी आंच पे छोड़ना है। आप जो साइज का चाहे वो साइज का बना सकते हैं। तो इस तरह इसे चारों तरफ फैला दीजिए और 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए। अब हम इसे टर्न कर देते हैं, ऑलमोस्ट एक तरफ से पक गया है, दूसरी तरफ भी इसे हम अच्छी तरह ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे हम टर्न करके चेक करते हैं, देखिए इस तरह से भी बहुत अच्छा ये रोस्ट हो गया है। इसे हम बनाते समय थोड़ा सा ऐसा बीच में टैप कर देंगे ताकि ये अंदर से इवेंटली पक जाए। तो ये अभी रेडी है, इसे हम निकाल देते हैं हमारी सर्विंग प्लेट में। अब हम दूसरा हमारा दूसरा छिला भी छोड़ देते हैं बनाने के लिए। इसी तरह से इसी तरह हमने बाकी के छिले भी बना के रेडी कर लेने हैं। देखिए हमारे गर्मा गर्म ओट्स वेज छिले बन के रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ग्रीन चटनी, दही या केचप किसी के साथ भी खाइए। देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बड़े आराम से टूट जाते हैं। ये आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।